अंबाला में मनचलों पर काबू पाने के लिए महिला पुलिस लगातार स्कूलों व कॉलेजों के बाहर तैनात की गई, जहां महिला पुलिस बुलेट से पटाखे बजाने वालों के साथ सख्ती से पेश आ रही है, तो वहीं बेवजह स्कूलों के बाहर घूमने वालों को भी काबू किया जा रहा है। पुलिस के द्वारा इनके चालान काटे जा रहे हैं और इन्हें समझाने का काम भी किया जा रहा है। अक्सर पुलिस को मनचलों के हुड़दंग की शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद SP अंबाला ने सख्त निर्देश देते हुए इसके खिलाफ अभियान चलाने के आदेश दिए, जिसके अंतर्गत महिला पुलिस लगातार स्कूल कॉलेजेस के बाहर डटकर इनसे निपट रही है। पुलिस के अभियान के दौरान लोग बचकर भागने की कोशिशें भी करते दिखाई दिए, जिसको लेकर पुलिस ने इन्हें वार्निंग भी दी। ऐसा नहीं है कि पुलिस बेवजह घूम रहे मनचलों को काबू कर रही है, ट्रैफिक नियम तोड़ने वाली छात्राओं को भी पुलिस ने समझाने का काम किया। हमारे SP साहब ने स्पेशली गाइडलाइन, उनके गाइडलाइन पे चल के हम ये काम कर रहे हैं। स्कूल्स में, कॉलेजों के बाहर जाके ये जो लड़के हैं, ये बुलेट में जो पटाखे लगाते हैं, उससे पब्लिक को और स्कूल कॉलेजेस वालों को भी परेशानी होती है, तो उसको थोड़ा सा रिलीव के लिए हमें ये अभियान चलाना पड़ा। हमारे SP साहब जी बोलते हैं कि पब्लिक को परेशान ना होना पड़े, इसके लिए आप स्पेशली अभियान चलाओ। तो उनकी इस गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए हमने ये अभियान चालू किया है, और थोड़े टाइम से हम यही कर रहे हैं कि जो स्कूल कॉलेज के बाहर जो लड़के हैं वो ग्रुप्स में इकट्ठे हो जाते हैं, बातें करते हैं, या जो भी मन चले टाइप के होते हैं, इनको कंट्रोल करने के लिए हमने ये चालू किया हुआ है। और हम जाते हैं कॉलेजेस के बाहर, जाते हैं और देखते हैं कि जो भी कोई भी ऐसे ग्रुप में लड़के इकट्ठे ना हो, स्कूल से छुट्टी हुई है, कॉलेज से छुट्टी हुई है, तो सीधा अपने घर जाइए, यहाँ खड़े होने का कोई फ़ायदा नहीं है। सो हम चलान भी इनके साथ साथ, जो ट्रिपलिंग हो या जो बच्चे छोटे जिनकी उम्र कम है, उनको भी मतलब स्पेशली उनके पेरेंट्स को भी ये बताते हैं कि आप अपने बच्चे को, छोटे को बाइक मत दो, क्योंकि देखो अपनी सेफ्टी अपने हाथ में है, और जब भी निकलो तो हेलमेट डाल के ही निकलो। कुछ को तो हम समझाते भी है, और कुछ जो मानते नहीं है उनको फिर हम चलान काट के समझाते हैं। सो हमारा तो यही अभियान है कि इस पे कंट्रोल किया जाए, जो बुलेट पे पटाखे चलाते हैं और इससे पब्लिक को आने जाने में परेशानी होती है, उनको आवाज़ें सुनाई देती है, उनसे भी उनको निजात मिले। बहुत सारे करते हैं, जब पुलिस को देख लेते हैं तो पीछे के पीछे ही भागते हैं, पर वो ऐसा गलत करते हैं, इससे क्या होता है, इवन पुलिस का तो नहीं, अपना नुकसान कर लेते हैं। पुलिस उनकी सेवा के लिए बैठे, अगर वो प्रॉपरली अपने डॉक्यूमेंट्स अपने साथ रखेंगे, हेलमेट प्रॉपर डालेंगे, तो शायद वो उनकी सेफ्टी होगी, हमारी नहीं। हम तो ये चाहते हैं कि हमारे इस अभियान से शायद उनका कोई नुकसान होने से बच जाए। सो हेलमेट डाल के चलें। हुड़दंग, ये मनचले ज़्यादा परेशान करते हैं, कॉलेजों के बाहर खड़े हो जाते हैं, ग्रुप्स में खड़े हो जाते हैं, जो लड़कियां होती हैं उनको बहुत परेशानी होती है, और वर्बली कहीं जो उन्होंने बताया है कि स्कूल में बाहर लड़के खड़े हो जाते हैं ग्रुप्स में, हमें दिक्कत होती है, और कई लड़के कॉलेज की गर्ल्स ने भी वर्बली हमें बताया है। तो हमने सोचा कि ये अभियान चालू करके थोड़ा सा इन चीज़ों पर कंट्रोल किया जाए, इन मनचलों पर कंट्रोल किया जाए, सो हम ये कर रहे हैं। ये आगे जब तक चल रही है चला रहे हैं हम, आगे भी चलती रहेगी, हम चक्कर लगाते रहेंगे ताकि इस पे कंट्रोल किया जा सके, और जितना ज़्यादा हो सके मेरी तरफ से तो यही कोशिश रहेगी कि गर्ल्स को परेशानी ना हो, या स्कूल कॉलेजेस के बाहर ऐसा कुछ ना चले, शांति से अपने घर जाएं बच्चे, बस यही।